अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जानी, आवाज़ आ रही है? ओके जी, गुड। या जानी तलावत हो जाए, तलावत हो जाए। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा भाई, आज हम पीडीएफ सेंड नहीं, हाँ आज मैं पूरी एक साथ कर दूंगा सारी। अच्छा भाई, क्लास 7 है हमारी आज। अपने पास जल्दी से हेडिंग डाल दें, डेफर्ड टैक्स विथ बैलेंस शीट अप्रोच। हाँ जी, बड़ा अटेंटिव रहना है आपने इसमें। हमने बहुत सारे केसेस करने हैं आज, और फिर उसको ऑल टुगेदर हमें अकाउंटिंग से लिंक करना है। क्लास 7 है आज यार, 8 नहीं हो सकती। अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स विथ बैलेंस शीट अप्रोच। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी, लिखनी होंगी, फिर उसको हम आगे लेके चलते हैं। बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर जब हम बात करेंगे, तो हम यहां पे बात करेंगे, यहां पे लिख भी देता हूं, यहां पे हम बात करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। हाँ भाई, कितनी चीज़ें लिखी है मैंने, दो। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट की या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। यानी अब अगर मैं प्रीवियसली अपनी हिस्ट्री को रिकॉल करूँ, तो हमने जो इससे पहले अकाउंटिंग की थी, यहाँ पे लिखता हूँ, वाइल इन पीएनएल वी गेट डेफर्ड टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। यानी सर, समझने की बात यह है, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, समझने की बात यह है कि अगर मैं आपको यहां पे फिनोमेना बताऊं, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, मैंने यहां पे बच्चों बना लिया डेफर्ड टैक्स का अकाउंट। मैंने कहा सर आप बना लें डेफर्ड टैक्स का अकाउंट, सही है जी। डेफर्ड टैक्स के अकाउंट के अंदर मैंने कहा, अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे जाऊंगा, अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे जाऊंगा, तो बैलेंस शीट अप्रोच पे जब मैं जाऊंगा, तो जानी जो मुझे आंसर मिलेगा, प्लीज सुनिएगा, जो मुझे आंसर मिलेगा वो या तो सर ये क्लोजिंग मिलेगा, या ओपनिंग मिलेगा, या ये ओपनिंग मिलेगा, या ये क्लोजिंग मिलेगा। अब इस बात को समझते हैं वापस से। अगेन मैंने कहा सर, मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा, या तो वो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कैसे आएगा वो अभी सीखा नहीं है, या तो ये ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा, या तो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा, या क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, ये बाद की बात है, पर मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट अप्रोच यूज करने का मतलब यह है कि आप एज एट तक का अमाउंट निकाल रहे हैं। और सर जब मैं पीएनएल यूज करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, या तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या डेफर्ड टैक्स इनकम, बट ये क्या होता है, फॉर द ईयर, यानी ये क्या होता है, फॉर द ईयर। तो अब अगर मैं आपसे आज के बाद पूछूं कि आप मुझे बताएं पीएनएल अप्रोच को यूज करने से क्या मिलेगा, इनकम या एक्सपेंस, फॉर द ईयर। बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करने से क्या मिलेगा, इनकम या एक्सपेंस। अब वापस से मेरे साथ बोलना, ताकि हम यहां पे क्लियर हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि जब आप बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करेंगे, तो आइदर यू विल गेट डेफर्ड टैक्स एसेट, आइदर यू विल गेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करने से क्या मिलेगा, आइदर डेफर्ड टैक्स एसेट, आइदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। व्हाइल इन पीएनएल वी विल गेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या डेफर्ड टैक्स इनकम। यहां तक क्लैरिटी है? तो हम पहले एक फर्क क्रिएट करें कि बैलेंस शीट अप्रोच में क्या मिलेगा और पीएनएल अप्रोच में क्या मिलेगा। आई थिंक पीएनएल अप्रोच हम कर चुके हैं, सही जी। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? जल्दी से सारे बच्चे,
अच्छा जी, हमने यहाँ पे इसको सर्कल भी कर लेते हैं, ये ब्लैक हो गया, ये नो फिल हो गया, और हमने कहा कि सर जब हम इसकी बात करेंगे तो ये बात होगी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट अप्रोच में या तो ये मिलेगा या तो ये। और सर सेम अगर मैं कहूं तो ये बैलेंस शीट अप्रोच वाली कहानी है, और अगर मैं यहां पे कहूं तो ये भी बैलेंस शीट अप्रोच। और ये भी बैलेंस शीट अप्रोच, इसको हम एक धक्का आगे दे देते हैं, तो ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, और अगर मुझे डेफर्ड टैक्स इनकम या एक्सपेंस चाहिए होगा तो मैं कौन सी अप्रोच पे जाऊंगा? पीएनएल अप्रोच पे। अब डेफर्ड टैक्स, ये जो बैलेंस शीट अप्रोच होती क्या है, कैसे होगा, ये सारा कार्यक्रम अभी हम सीखते हैं। सही जी। अच्छा, अब आगे लेके चलते हैं। मैंने ये कहा इफ वी यूज ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स, वी विल गेट, अगेन रिपीट करता हूं, वी विल गेट डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंसेस। अब जरा इसको ग्रिप में लाने, ये बिल्कुल समरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। मैंने कहा एक बात तो समझ आ गई सर कि अगर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस निकालना चाहता हूं, डायरेक्ट डेफर्ड एसेट का आज तक का बैलेंस, मैं फॉर द ईयर नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, आज तक का, तो मैं बैलेंस शीट अप्रोच यूज करूंगा। अच्छा, बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करूंगा तो मुझे आज तक का बैलेंस मिलेगा, पर मैं कह रहा हूं अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओपनिंग डेफर्ड टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओपनिंग डेफर्ड टैक्स, तो आपको कौन सी बैलेंस शीट यूज करनी होगी ओपनिंग। अब देखो मैंने लिखा हुआ क्या है यहां पे, मैंने लिखा हुआ है इफ वी यूज ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी बैलेंसेस ओपनिंग तक के, तो मुझे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स, तो हमें जो आंसर मिलेगा या तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा, दोनों नहीं हो सकते, या तो ओवरऑल आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट बन रही होगी या तो ओवरऑल आपकी डेफर्ड टैक्स, क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है, तो हमने कहा या तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट मिलेगा या तो आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मिलेगी, बट वो जो आपको मिलेगी वो ओपनिंग मिलेगी, क्योंकि आपने बैलेंस शीट कौन सी यूज की है, ओपनिंग। अच्छा, बैलेंस शीट ओपनिंग यूज करने की थोड़ी एक माइंड मैप समझा देता हूं। ओपनिंग बैलेंस शीट को यूज करने का मतलब है ये ओपनिंग तक के डिफरेंसेस होंगे आपके और टैक्स के बीच में। अगेन रिपीट करता हूं, उसको थोड़ा सा क्लियर भी करता हूं ताकि एक मैपिंग हो जाए, फिर हम डिटेल में करते हैं उसको। आपने एक पीपीई खरीदा 100 रुपए का, आप उसको 3 साल डेप्रिशिएट किया, टोटल लाइफ थी 10 साल, आपके हिसाब से कितनी थी 10 साल, आपने 3 साल डेप्रिशिएट किया, आपकी WDV कितनी होगी 70, पहलेगा 100 का एसेट है 10 साल लाइफ है, आपकी WDV कितनी 70 होगी, ऐसा ही ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ 70 होगी। मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर 70 रुपए के ऊपर ये पीपी मौजूद होगा 70 पे। अच्छा, अब अज्यूम करो टैक्स वाले के हिसाब से ये पीपी की लाइफ 20 साल है, तो आप एक काम करें 100 divided by 20 into 17 करें, 100 divided by 20 into 17 करें 85, टैक्स वाले की किताबों में ये कितने पे होगा 85 पे, पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस 85 का और 70 का डिफरेंस लूंगा तो क्या मुझे आज तक के डिफरेंसेस मिल जाएंगे मेरे और टैक्स के बीच में? तो सर आज तक के कैसे निकालिए, तो फॉर द ईयर हो रहा होगा ना भाई, फॉर द ईयर होते 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 आज तक का डिफरेंस आ गया होगा 15 का, क्योंकि हर साल, अब इसको मैं और इलेबोरेट करता हूं, हर साल आप लोगों ने डेप्रिसिएशन बुक किया होगा 10 का, कितने साल हो चुके हैं 3, उसने कितने का किया होगा 5 का, उसने 5 नहीं माना होगा तो उसने पहले साल में 5 एडबैक करवाया होगा, दूसरे साल में 5 एडबैक करवाया होगा, तीसरे साल में
तो आपके पास डेफर्ड टैक्स आज तक कितने डिफरेंस पे होगा? 15 के, जो कि अब तक सेटल, क्योंकि लाइफ ही खत्म नहीं हुई। पहले बताओ ये बात की क्लैरिटी है, ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ क्लैरिटी है। तो तभी मैं कह रहा था कि जब आप बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करेंगे तो ऑल टुगेदर आपको आज तक के डिफरेंसेस मिल जाएंगे, और आज तक के डिफरेंसेस के ऊपर आज तक का डेफर्ड टैक्स, तो मतलब या तो डेफर्ड टैक्स एसेट या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आपको फॉर द ईयर करके जाने की कोई नीड नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाला जल्दी बता दो क्लियर है। और अगर मैं यहां पर लिखूं इफ वी यूज, हाँ भाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्या ओपनिंग तक के डिफरेंस आएंगे या क्लोजिंग तक के? क्लोजिंग तक के, तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो मुझे हर साल मेहनत करने की नीड नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट मुझे आज तक का बैलेंस मांग रही है, अब तुम्हें सवाल में दे दे कि भाई कंपनी 4 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, तुम मुझे 4 सालों बाद का डेफर्ड टैक्स निकाल के दो, तो क्या तुम हर साल की अकाउंटिंग करोगे या डायरेक्ट आखिर पे जाओगे? डायरेक्ट एंड पे जाएंगे ना, तो आखिर की बैलेंस शीट उठाओ, टक टक उससे आंसर निकालो, तो ये भी क्लोजिंग आ जाएगा। वी विल गेट डेफर्ड एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंसेस। हाँ जी, तो इसको प्लीज कॉपी करें पहले यहां तक, फिर हम इसको आगे लेके चलें। हेलो जी, माँ बोले क्लास में, सही है सही है सही है। वहाँ से कांता दी के यहाँ से नहीं, तो वहाँ पे मेरे पास कन्विंस तो ना, मेरे पास है नहीं ना अभी गाड़ी, मैं कैसे दूंगा? चलो मैं देख लेता हूँ ना, आप वहाँ पे लेके कहाँ जाएंगे? उठा लें, चले मैं भेज दूंगा किसी को।
यानी तुम लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जी ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है तुम लोगों को? बहुत दूर से आ रही है, हल्की आ रही है यार। असल में बेवकूफ ने चार्ज नहीं किया। अच्छा इसका हम एक इलाज कर सकते हैं ना? इसका इलाज है। अगर जाहिलों की फौज पालनी हो तो हमने पाली हुई है। अच्छा आप बताओ जानी, अब आ गई? अब गुड है। हाँ जी आप करीब हो गई ना, आप सही है ना जानी? ओके सॉरी यार इसके लिए। अच्छा भाई यहाँ तक हो गया कॉपी? चलिए जी गुड, अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा अब इसमें एक चीज़ आपने सीखनी पड़ेगी बिफोर वी गो फर्दर। हम जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग में कहलाती है वो कैरिंग अमाउंट, जब हम टैक्स की बात करेंगे तो वो टैक्स में कहलाती है टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब ये है टैक्स वाले के हिसाब से कैरिंग अमाउंट। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टैक्स बेस का मतलब क्या बच्चों? नहीं नहीं वो अमाउंट नहीं, नहीं गलत 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 इंटरप्रिटेशन गलत नहीं करनी। टैक्स बेस का मतलब ये है एसेट और लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट एज पर टैक्स अथॉरिटीज। ये नहीं कि जिस पर टैक्स लगेगा, टैक्स इनकम पे लगता है। मैं कह रहा हूं एसेट और लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट एज पर टैक्स अथॉरिटीज। तो हम यहां पे लिख भी लेते हैं टैक्स बेस का मतलब है एसेट और लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट एज पर टैक्स अथॉरिटीज। सिंपल, और हमारे लिए वो क्या होती है? कैरिंग अमाउंट। सिंपल, चाहे वो एसेट की हो या लाइबिलिटी की हो। तो आज के बाद मैं टैक्स बेस का अल्फाज यूज करूं तो आप कहेंगे टैक्स बेस का मतलब है एसेट या लाइबिलिटी की अमाउंट एज पर टैक्स अथॉरिटीज। सिंपल। चलिए यहां तक हो गया। अब सर हम अपना कर लेते हैं केस वन, पहला केस। और पहला केस है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। अच्छा एक चीज भी बता दूं आपको, आपका डेफर्ड टैक्स, ये बहुत अहम अहम चीजें हैं जो बेसिक बेसिक माइनर माइनर पॉइंट्स हैं। आपका डेफर्ड टैक्स आपकी कंपनी के तमाम एसेट्स के ऊपर होता है सिवाय कुछ के, वो देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पूरी कंपनी का डेफर्ड टैक्स निकाल के दो तो आपको हर एक एसेट को मद्देनजर रखना होगा। डिफरेंस आपका एक एसेट पे आएगा या मल्टीपल पे आ सकता है? मल्टीपल एसेट्स पे, इंटेंजिबल्स पे भी डिफरेंस हो सकता है, तो डेफर्ड टैक्स उस पे भी रहा होगा, ये कह रहा हूं मैं। तो एक आइटम पे डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी निकाल लेने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि पूरी कंपनी का डेफर्ड टैक्स आ गया, वो पूरी कंपनी के एक लाइन आइटम पे आया। पहले तो बात क्लियर, पक्की बात है ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो क्लियर है ये। तो यानी अभी हम उसमें से पहला पॉइंट पिक कर रहे हैं, पहला लाइन आइटम दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चले जी इस गेम को समझने के लिए सही जी आप सारी चीजें साइड में रखेंगे, सिर्फ कैलकुलेटर पास रखेंगे और सिर्फ इसको विजुअलाइज करेंगे, दैट्स इट। सिर्फ देखना है क्योंकि अभी ये वो बेस है जो बन गई, तो आगे फिर पूरा गेम आसान है डेफर्ड टैक्स का। तो बहुत सुकून से समझना, कैलकुलेटर अपने पास रखो, बंद कर दो किताबें। चलिए जी हमने कहा एसेट एक्वायर्ड या प्लांट लिख देते हैं, प्लांट एक्वायर्ड ऑन जनवरी 1, 2022 एट अ प्राइस ऑफ ₹1 मिलियन, एट अ प्राइस ऑफ ₹1 मिलियन। सही जी हमने कहा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एज पर अकाउंटिंग या कंपनी इज 5 years और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एज पर टैक्स अथॉरिटीज इज 4 years। अच्छा अब यहां पे एक मैं चार्ट बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। हमने कहा यहां पे आ गया ईयर, सही जी आपने कहा यहां पे आ गया ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग,
ये चीज हो गई। अच्छा भाई इसके बाद मैंने कहा फिर ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, अच्छा इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये ओपनिंग आ गया, ये क्लोजिंग आ गया, ये ऐसे हो गया। अच्छा भाई अब हमने कहा ये आ गया आपके पास अकाउंटिंग, ये आ गया आपके पास टैक्स बेस, सही है। अच्छा भाई ये आ गया आपके पास ईयर्स। अच्छा अब अगर मैं आपसे ये पूछूं जानी, बहुत फोकस हो गया कि आपका पहला साल है 2022, 2022 में आपने ये पीपी खरीदा कितने का? 1 मिलियन का। तो टैक्स वाला हरगिज ये नहीं कहेगा कि मेरी नजर में ये एसेट 1 मिलियन का नहीं है, वो बोलेगा मेरी नजर में भी 1 मिलियन का, पहले दिन नो डिफरेंस। आपने यहां पे डिवाइड करवा दिया 5 और ये बच गया 8, यहां पे आपने डिवाइड करा दिया 4 और ये बच गया आपके पास 750, सही है जी। अब हम यहां पे पहला साल क्लोज करते हैं, पहले तो पहला साल क्लोज कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा किसी एक से, और यहां पे ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं, और आप ये बता के फिर मेरे साथ कंक्लूड भी करेंगे। तो पहली चीज शुरू कर रहा हूं, मुझे आप एक बात बताएं समझने के लिए, मैं पीएनएल अप्रोच की बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट भूल जाए, सही जी। पीएनएल अप्रोच के ऊपर आपके पास फॉर द ईयर का जो डिफरेंस है, सही जी, आपको पीएनएल जब देंगे टैक्स वाले को तो उसमें डेप्रिसिएशन कितना माइनस हुआ हुआ होगा? 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। टैक्स वाला बोलेगा कितना माइनस करो? 2.5 लाख रुपए। अच्छा यानी वो मुझे डिडक्शन दे रहा है ज्यादा, डिडक्शन दे रहा है, उसने लेस करवा दिया, उसने लेस करवा दिया, टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्स भी अकाउंटिंग का टैक्स, तो यहां से वहां पहुंचने के लिए आपने बुक किया हुआ डेफर्ड एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड एक्स लायबिलिटी। अच्छा क्यों? क्योंकि वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है। तो क्या ये परमानेंट डिफरेंस है, टेम्पररी है? क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बोलेगा कि बेटा आप में डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा, इसको ऐड बैक करके तो एक टैक्स मांगेगा वो, तो हम बोलेंगे भाई ये तो हमारी सेविंग है, तो उस वक्त लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक कर लूंगा, वो तो आगे की कहानी है। खैर हमने कहा टैक्स वाले ने 2.5 लाख रुपए जो है मजीद लेस करवाए होंगे, ये डिफरेंस एक साल का है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एजेड डिफरेंस भी यही है? अगर आपको ये बात समझ आ रही है, नहीं है, पहला ही साल है ना। अच्छा जी अब मैंने कहा, मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, आप जरा देखिएगा इधर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स इनकम। आपको ये बात तो पता है ना कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पॉजिटिव रखते हैं और इनकम हम, तो हम सेम रखते हैं, तो यहां पे मैं साइड में प्लीज सुनिएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, सॉरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट, अभी अभी सही कर लेते हैं यानी ये रहा, सही है, ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा भाई हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें, तुम लोगों को विजिबल है, चलें जी ओके। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, सिर्फ एक एक साल की बात कर रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि आपने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा पहले साल में? तो आपने कहा कि अगर मेरा टैक्स रेट 25% है तो आपने 12,500 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सेम पहला साल है, और मैं यहां पे आपको ये टी अकाउंट की मद में भी बना के देता हूं। आपने कहा कि सर आप अगर डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाएं तो डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में प्लीज सुनिएगा, ओपनिंग 2022 का डेफर्ड टैक्स कुछ भी नहीं था इस आइटम के ऊपर, आपने डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर बुक किया, सही कह रहा हूं, फॉर द ईयर बुक किया, कौन सा 2022 का, कितना बुक किया? 12,500। तो क्लोजिंग कितना आ गया? 12,500, ऐसा ही है ना, क्लोजिंग 2022 का। यहां तक कोई शको शुभा या मसला? देखो सिंपल है ना, 50,000 का डिफरेंस था, टैक्स वाले ने बोला कि इसको माइनस करो, इससे क्या हो गया, करंट टैक्स कम हो गया। हमने कहा बिला वजह किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है, हमने उस पर डेफर्ड एक्सपेंस बुक करके लायबिलिटी बुक कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके जो आज ये डिडक्शन ज्यादा दे रहा है वो आगे जाके डिडक्शन नहीं देगा, ऐसा है, तो आगे जाके इसको टैक्स कर लेगा, तो मैं उस वक्त ये लायबिलिटी को रिवर्स करके क्या बुक कर लूंगा, इनकम,
तो अब मैं जमा करता रहूंगा इसको ऑनलाइन वाले, और आप सब ये बात क्लियर है। चलिए जी, हम आ गए अगले साल। तो हमने कहा ये डिफरेंसेस का कॉलम है और ये किसका कॉलम है भाई, डेफर टैक्स का। ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, जब आप किसी भी इलस्ट्रेशन को देख रहे होंगे या मैपिंग कर रहे होंगे तो ये आपको काम आ जाएगा। आगे मैंने कहा सर इसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, आप लोगों को डी अकाउंट हूँ ज्यादा अच्छा समझ आता है, इसलिए ये भी लेके चलता हूँ। ओपनिंग 2023 का कितना होगा, 12,500। तो बहुत फोकस होकर देखिएगा इधर, मैं आ गया 2023 में, सही है। 2023 का ओपनिंग कितना होगा जानी, 8,00,000। आपने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे बुक किया, 6 आ गया। आपने कहा कि सर अगर मैं ये करूं तो ये 5 आ गया। अच्छा मैं फिर आपसे पूछता हूं, मैं फॉर द ईयर की बात कर रहा हूं, आप एजेट को भूल जाएं, आप एजेट को भूल जाएं, और यहां पे कनेक्शन बनाए रखिएगा। 2023 का पीएनएल जब आप देंगे किसको, टैक्स वाले को, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन कितना होगा, कितना होना चाहिए, वो कितना माइनस करवाएगा, फिर 50 माइनस करवाएगा। अच्छा ये एजेट का डिफरेंस भी यही था। अच्छा अब मुझे लगता है कि आज तक का डिफरेंस 1,00,000 हो गया आपके, उसके बीच में आज तक जमा हो गया है डिफरेंस कितने का, 1,00,000। पीएनएल तो फॉर द ईयर बनता है ना, क्या आप मेरी बात को समझते हैं कि जब इस साल का पीएनएल आप बना रहे होंगे तो इस साल के पीएनएल में वो 50,000 रुपए पर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। तो टैक्सेबल इनकम टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स, तो यहां से वहां पहुंचने के लिए आप मजीद एक्सपेंस बुक करके लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। अगेन वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है, आपको पता है आगे जाके वो इस इनकम पे जब आगे जाके जब मैं डेप्रिसिएशन बुक कर रहा हूं तो वो बोलेगा इसको ऐड बैक करो, वो बोलेगा मेरी नजर में ये कोई एक्सपेंस नहीं है क्योंकि मैं पहले ही अलाउ कर चुका हूं। ये टाइमिंग डिफरेंस है ना। तो हमने क्या किया इसके ऊपर, फिर मजीद डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया। अच्छा अब मेरे पास लायबिलिटी का बैलेंस कितना हो गया, 25,000। तो कैसे इंक्रीज हो गया, ये आज तक की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ये आज तक की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। हमने कहा हम यहां पर आए, मैंने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 2023 का बुक किया, एक्सपेंस है फॉर द ईयर है। मैंने कहा आ जाए जी, हमने कहा कि सर अगर हम क्लोजिंग 2023 निकालें तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ही है। अच्छा अब आज के बाद एक चीज डिस्कस करते हैं, व्हाट इफ वी फॉलो बैलेंस शीट अप्रोच। व्हाट इफ वी फॉलो बैलेंस शीट अप्रोच, बहुत सुकून से देखना। मैंने कहा 2023 पे आ जाओ जानी, सारी कहानी साइड में कर दो। मैंने कहा अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है, 6,00,000। टैक्स बेस कितनी है, 5,00,000। आओ आज तुम्हें सोचने का तरीका सिखाऊं, इधर फिर अंग्रेजी भी बताऊंगा जो तुम्हारा IFRS कहता है। ये क्या है डिफरेंस, आप बैलेंस शीट यूज कर रहे हैं या पीएनएल, ये डिफरेंस फॉर द ईयर का आज तक का है, आज तक का। आप जरा बात समझिएगा, मैं यहां पे उर्दू में लिख भी रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैं कहता हूं एसेट रिड्यूस कम होता है डेप्रिसिएशन की वजह से, इस बात पे कोई शक है, कोई पंगा है, मानते हो एसेट कम होता है। अच्छा अब आगे सुने, सोचने का तरीका पैटर्न डेवलप कर रहा हूं। जहां जितना एसेट कम होगा वहां उतना एक्सपेंस ज्यादा होगा। अब पहले इस बात को एब्जॉर्ब कर ले तो हम आगे चलेंगे। फिर अगेन मैं कह रहा हूं एसेट रिड्यूस होता है डेप्रिसिएशन की वजह से या एक्सपेंस की वजह से, तो जहां जितना एसेट कम है वहां उतना एक्सपेंस, तो देखो जहां जितना एसेट कम होगा वहां उतना एक्सपेंस ज्यादा होगा। एक मिनट रुकिएगा अभी, आपको क्या ये, तो पहले मैं कंप्लीट कर लूं फिर सवालों के जवाब दूंगा। मैंने ये कहा अगर आप यहां पे देखें तो आपको एसेट किसके पास कम दिखता है, टैक्स वाले के पास। अब सोचने का तरीका, क्योंकि आपको पीएनएल से लिंक करना है मैंने आज ही, और इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछनी है। अगेन
ये बात क्लियर है कि आपका एसिड रिड्यूस होता है किसकी वजह से? मैं डिस्पोजल की बात ही नहीं कर रहा, ना मैंने अभी वो सिखाया है, मैं डिस्पोजल की बात ही नहीं कर रहा। और जब आप डिस्पोजल की बात करते हैं ना, तो क्लोजिंग में वैसे ही नहीं होगा, वो खुद ही रिवर्स हो जाएगा। यानी क्लोजिंग, अगर आप एसिड उठा रहे हैं, लायबिलिटी उठा रहे हैं, तो क्लोजिंग के अंदर डिस्पोज एसिड होगा ही नहीं, तो जो ओपनिंग पावर होगा वो खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा। तो आपको उसकी पंचायत ही नहीं करनी है। अभी आप जो मैं कह रहा हूँ वो समझें, डेफर टैक्स होता है उन आइटम्स के ऊपर जो मेरी किताबों में है। जो किताब में है ही नहीं तो क्या उस पर डेफर टैक्स होता है या रिवर्स हो जाता है? तो इफ यू आर टेकिंग अ क्लोजिंग बैलेंस तो उसके अंदर होगा ही नहीं। पहले तो बात समझ आ रही है? अब आज तक की कहानी कर रहे हैं, आगे सुने। मैंने कहा आप कंक्लूड कर रहे हैं मेरे साथ, आप सब बता रहे हैं, ऑनलाइन वालों आप बताओ एसिड कहां पे कम है? टैक्स में। जैसे ही आपने देखा टैक्सेशन में एसिड कम है, तो मतलब वहां पर आज तक, मैं आज तक क्यों कह रहा हूं, एसिड आपने कहा आज तक टैक्सेशन वालों ने मुझे डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ किया, डेप्रिसिएशन। तो अब मैं सोचने का पैटर्न डेवलप कर रहा हूं, अच्छा वहां उतना एक्सपेंस ज्यादा, मींस अगर टैक्स बेस कम है, अगर टैक्स बेस कम है तो वहां डेप्रिसिएशन आज तक ज्यादा है। तो इसको और लिंक करते हैं, मींस टैक्स वाले ने हर साल आज तक लेस करवाया होगा। ये बात समझ आई कि टैक्स वाले ने हर साल बोला होगा लेस करो लेस करो, मेरी नजर में डिडक्शन ज्यादा है। तो जब टैक्स वाले ने आज तक लेस करवाया होगा तो टैक्सेबल इनकम आज तक की कम रही होगी, सही है जी। उसके ऊपर आने वाला टैक्स भी कम रहा होगा और अकाउंटिंग टैक्स ज्यादा रहा होगा। तो आज तक आप लोगों ने डेफर्ड एक्सपेंस एंड उसके अगेंस्ट में डेफर्ड एक्स लायबिलिटी बुक की होगी, ये सोचने का पैटर्न है। मैंने लिखा इसलिए क्योंकि अगर मैं सिर्फ कहता तो आपसे ये मिस हो जाता, ये मैंने पूरा लिख दिया आपके लिए, कभी भूल जाओ तो ये रीड कर लेना। अगेन आप सब मुझे देख के बताएं, यहां पर मुझे तो ये देखो एग्जाम में आपने ये सोचना है कि एसेट बुक करूं या लायबिलिटी। तो आपका एग्जामिनर पता है क्या कहता है, ये आपका आईएफआरएस, व्हेनेवर योर टैक्स बेस इज लोअर देन योर अकाउंटिंग यू हैव टू बुक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। भाई उसके पीछे लॉजिक तो समझो भाई, टैक्स बेस कम है अकाउंटिंग में ज्यादा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लो, ऐसे कर लो, पर ऐसे मजा नहीं आएगा ना। आप लॉजिकली समझ लें, अगेन समझाता हूं, सुने। आप मुझे बताएं एसेट किसकी वजह से कम होता है? एक्सपेंस की वजह से, इट कैन बी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा आप सब मुझे बताएं, जहां जितना एसेट कम है वहां उतना एक्सपेंस, यहां पे आप बच्चों मुझे सब बताएं एक्सपेंस आपको कहां ज्यादा दिख रहा है? टैक्स वाले ने आज तक ज्यादा, यानी आप सोचने शुरू हुआ, आप टैक्स वाला एक्सपेंस पहले निकालते हैं ना, तो आपको ये बात समझ आ रही है कि आज तक टैक्स वाले ने बोला होगा लेस करो, क्योंकि आपने एक्सपेंस कम बुक किया होगा, टैक्स वाले ने आज तक लेस करवाया होगा, आज तक लेस करवा के उसने बोला होगा इस पे मुझे टैक्स नहीं चाहिए, तो टैक्सेबल इनकम कम हो गई होगी, आज तक की टैक्स भी कम हो गया होगा, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा। तो यहां से वहां पहुंचने के लिए आज तक आप लोगों ने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज तक इसके ऊपर 25% की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हुई है? क्या ये 25,000 यहां से मैच करता है? अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट यूज करता तो ये आता, और इन दोनों का डिफरेंस यूज करता तो फॉर द ईयर आ जाता। पहले तो बात क्लियर है? तो यानी एजेट के बैलेंसेस, अब देखो पूरी कहानी लिखी हुई है ऊपर, ये नहीं, प्लीज तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे बखूबी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट यूज करेंगे तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने कौन सा उठाया था? क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा मिला? क्लोजिंग। ऑनलाइन वालों और आप सब, यहाँ पे क्लैरिटी है, पक्की बात है। तुम कुछ पूछ रहे थे? इंपेयरमेंट टैक्स वाला नहीं मानता ना, अगेन। जब एक चीज क्लोजिंग में एडजस्ट हो जाएगी तो उसके अंदर डेफर टैक्स भी एडजस्ट हो जाएगा। मैं पहले ये कह रहा हूँ, इंपेयरमेंट आपका टैक्स वाला नहीं मानता। जब इंपेयरमेंट आपका नहीं मानता, परमानेंट क्यों डिफरेंस? एडबैक कराएगा, परमानेंट क्यों डिफरेंस? क्योंकि आप जब बेचने जाओगे तो सस्ता बिकेगा, उस वक्त सेटल हो जाएगा।
इंपेयरमेंट इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस, इंपेयरमेंट इज अ टेम्पररी डिफरेंस। सही है, इंपेयरमेंट एक टेम्पररी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस नहीं। अगेन बैलेंस शीट अप्रोच में क्लोजिंग में एडजस्ट हो जाएगा और उस पर जो बुक होना है वो खुद ब खुद हो जाएगा, तो आपको टेंशन की नीड नहीं है। पीएनएल में वही तो बता रहा हूँ, पीएनएल में ये टेम्पररी डिफरेंस है ना भाई, पीएनएल में आपके पीएनएल से लेस हुआ हुआ होगा, हाँ या नहीं? तो ये पीएनएल से लेस हुआ हुआ होगा तो आप क्या करवाएगा, वो एडबैक करवा देगा, बोलेगा इस पर टैक्स दो, तो मुझे डिडक्शन क्लेम करने के लिए क्या बुक करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स इनकम। सिंपल, क्लियर है सर? जो लास्ट लाइन लिखी है टैक्स वाली वो एक दफा रिपीट कर दें, कौन सी लास्ट लाइन लिखी है मेरी जान, कौन सी वाली? हाँ जी, ये भी सर, ये नीचे जो लिखा हुआ है लास्ट वो रिपीट कर दें, ये वाला देखो भाई वापस। मीन्स अगर टैक्स बेस कम है तो वहां डेप्रिसिएशन आज तक ज्यादा है, ये रहा। अच्छा भाई, आज तक डेप्रिसिएशन टैक्सेशन में ज्यादा है, मीन्स टैक्स वाले ने हर साल आज तक लेस करवाया होगा। अच्छा, लेस करवाया होगा मतलब डिडक्शन ज्यादा दी होगी, ऐसा ही है ना? तो टैक्स वाले ने जानी आज तक की डिडक्शन ज्यादा दी होगी, जब टैक्स वाले ने आज तक की डिडक्शन मुझे ज्यादा दी होगी तो टैक्सेबल इनकम आज तक की कम आ रही होगी। अच्छा, जब टैक्सेबल इनकम कम आ रही होगी तो उसके ऊपर आने वाला टैक्स भी कम आ रहा होगा, तो जो आने वाला टैक्स भी कम आ रहा होगा तो आपने यहां से वहां पहुंचने के लिए आज तक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा और उसके अगेंस्ट पे डेफर्ड टैक्स। तो मैंने कंक्लूड कर लिया कि आज तक इन दोनों के डिफरेंस पे लायबिलिटी बुक हुई है और वो लायबिलिटी मैं क्लोजिंग पे रखूंगा तो वो सही लायबिलिटी होगी, वही जो मैं हर साल कैलकुलेट कर पा रहा था, तो मैं डायरेक्ट एजेट पे पहुंच जाऊंगा। पहले तो बात क्लियर है, यानी दिस इज एज गुड एज कि हर साल प्रोविजन के ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर करके एसेट बनाते रहो या डायरेक्टली क्लोजिंग रिसीवेबल बुक कर लो, बात एक ही है। यानी हमने जब केस किया था कौन सा वाला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला, आपको याद होगा मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करते हैं टैक्स वाला उसको नहीं मानता, वो क्या करता है उसको एड बैक करवा देता, वो फॉर द ईयर होता है, एड बैक कराता है, आप बोलते नहीं भाई मेरी डिडक्शन है अकाउंटिंग की मैं क्लेम करूंगा, तो आप क्या बुक करते हैं डेफर्ड टैक्स इनकम उसके अगेंस्ट में एसेट। अब अगले साल फिर प्रोविजन होता है, फिर वो इंक्रीज होता है, फिर प्रोविजन होता है, फिर इंक्रीज होता है। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं डायरेक्टली प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस उठाऊं तो क्या वो आज तक का प्रोविजन होगा? यस। तो आज तक के प्रोविजन का मतलब ये है ना कि आज तक उसने ये एक्सपेंस मुझे अलाउ, इसके अगेंस्ट में मैंने इनकम बुक करके एसेट बुक किया होगा तो उस पर भी आते हैं। पर मैं समझा रहा हूं बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करके आपको फॉर द ईयर मिलेगा या आज तक, कि हर साल करते हुए आते तो यही पहुंचते हैं, क्लैरिटी है? और ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करूंगा तब भी फॉर द ईयर आ जाएगा, कोई मसला? अच्छा, अब यहां पे इसको कंप्लीट कर लूं मैं, लिखा हुआ है उसके ऊपर आने वाला टैक्स भी क्या होगा भाई, कम होगा। तो जब उसके ऊपर आने वाला टैक्स भी सर कम होगा, रिड्यूस होगा, तो सर आप मुझे बताए ना, और अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा रहा होगा तो आज तक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की होगी। मैंने आपको बैलेंस शीट को पीएनएल से लिंक कर दिया ताकि वो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चलते रहे। अब बताओ क्लियर है रुबाब और हसान, जल्दी से। कोई भी प्रोविजन नहीं मानता, अगर प्रोविजन मानेगा तो आपको एग्जामिनर लिख के दे देगा। अगेन दिस इज नॉट अ डिबेटेबल थिंग कि टैक्स वाले क्या मानता है क्या नहीं मानता, आपको डेफर टैक्सेशन आनी चाहिए। अब एग्जाम में इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू आर टैक्सेशन एक्सपर्ट, उसको ये है कि तुम डेफर टैक्स के एक्सपर्ट हो, सही है? वो आपको लिख के देगा क्या मानता है क्या नहीं मानता, ट्रीटमेंट करके दे देगा, सही है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है, जल्दी बताओ जानी सारे बच्चे। गुड सर, ये डेफर टैक्स लायबिलिटी आएगी आगे जाके डेफर एसेट में कन्वर्ट नहीं होगा, अभी करते हैं ना, अभी करते हैं ना, आपको किसने कहा नहीं होगा अभी भाई? क्या मैंने कंप्लीट कर लिया? ये मैंने कंप्लीट तो नहीं किया, कितने साल एसेट की लाइफ है? 5 साल। अभी तुम कौन से साल पे हैं? दूसरे साल पे। तो आप सुकून और तामुल से मैं सब बताता हूँ आपको, सही है जी, बिल्कुल सब बताता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतनी लंबी क्लास लगाने का लॉजिक ही यही था आज के भाई, आपको कनेक्ट करना है यहाँ से। नमाज भी बिल्कुल मिलेगा यार, अजान अभी हुई है ना? नहीं, अजान अभी तो हुई थी, मैं भी तो यहीं बैठा था।
अबे भाई यहाँ पे अजान होते रहती है, कुछ सुन रहा था अलग से, तो ही ना मौलवी ने तेरे को व्हाट्सएप की है। अजान मैंने भी सुनी है भाई, अभी हुई है, 5 मिनट हुए अजान को भाई, यहाँ अभी हुई है, तुम्हारे यहाँ कहीं भी हुई हो, यहाँ अभी हुई है, 5 मिनट हुए। अबे यार अभी तो जो मैं ये कर रहा था ये, तभी 5 मिनट तो हुए, 10 मिनट तुम ऐसे लिख रहे हो कि मौलवी तुम्हारे बगैर जमात ही नहीं खड़ी करेगा। भाई टाइम पे पढ़ लेना, अभी रुक जाओ 1 मिनट थोड़ा सा, दे रहा हूँ टाइम, दे रहा हूँ तुम्हें यार। अच्छा चलो अभी पहले आगे लेके चलते हैं इसको, प्लीज यार फोकस के साथ। अगला साल ये होगा, यहाँ पे अगला साल ये होगा, अगेन अगेन अगेन, प्लीज फोकस फोकस। इधर इधर मैंने कहा लिखे नहीं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इधर देखो मैंने कहा अगर मैं फॉर द ईयर की बात करूँ, प्लीज सुनना, अगर मैं फॉर द ईयर की बात करूँ, फिर आपने डेप्रिसिएशन कितने का बुक किया जल्दी बताओ? टैक्स वाले ने 2.5 का। टैक्स वाले ने कहा बाबू 50,000 रुपये और एक्सपेंस ले लो। हम कह रहे हैं भाई क्यों बोल रहा भाई, जब मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि भाई मेरी नज़र में लाइफ कम है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो मैंने कहा ये हमेशा ऐसा रहेगा। उसने बोला नहीं, जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो जब तुम क्लेम करोगे तब मैं तुम्हें अलाओ, तो फिर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेहद अलग हो रहा है। खैर हमने कहा आज तक का डिफरेंस कितना हो गया 1.50। क्या आप ये मानते हैं कि अगेन आप इस साल फिर डेफर्ड एक्सपेंस बुक करेंगे और ये हो गया 37,500 अगर मैं फॉर द ईयर फॉर द ईयर फॉर द ईयर करके चलूं? क्लैरिटी है? इधर देखिएगा, मैंने कहा सर अब मैंने यहाँ पे आके इसको एक्सटेंड किया। मैंने कहा सर अब मैं ओपनिंग क्या रखूँगा 2024 का, कितने आ गया ये डेफर्ड एक्सपेंस 2024 का कितना है भाई? यही 12,500, ये एक साल का है। यानी आप कह रहे हैं इतना टैक्स वाले ने टैक्स लिया नहीं जबकि बनता है, अगेन कह रहा हूं इतना टैक्स वाले ने टैक्स जबकि अकाउंटिंग के लिहाज से बनता, वो किसी इनकम को टैक्स वाले से रोक रहा है, तो मैं लायबिलिटी बिल्डअप करते जा रहा हूं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं डेप्रिसिएशन बुक करूंगा बोलेगा बेटा शाबाश उसको ऐड करो, तो वो फिर मुझसे टैक्स ले लेगा, तो मैं कहूंगा वहां पर वो मेरी सेविंग है, तो लायबिलिटी को रिवर्स करके क्या बुक करूंगा इनकम, तो ये टेम्पररी डिफरेंसेस सेटल हो जाएंगे। चले जी अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास जानी जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2024 है वो मेरी जान कितना आ रहा है? 37,500। अच्छा इफ वी गो थ्रू दी बैलेंस शीट अप्रोच, प्लीज सुनना यार खुदा के वास्ते, हमने कहा 2024 में आपकी पीपी की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 4 हो गई, ऐसा ही है, और आपकी ये अमाउंट कितनी है? 2.5 लाख। जल्दी से मेरे साथ साथ बोलना है, 25% लगाएं तो 37,500 बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो देखिएगा, जल्दी मुझे बताएं एसेट कहाँ पे कम है, तो टैक्स में अगर एसेट कम है तो वहाँ गलती हुई है क्या? वहाँ पे एक्सपेंस वेल गुड कनेक्टेड रहना, अगर वहाँ पे मतलब टैक्सेशन में एक्सपेंस आज तक ज्यादा है तो टैक्स वाले ने आज तक तुम्हें लेस करवाया होगा, आज तक की टैक्सेबल इनकम, तो आज मैं आज तक क्यों कह रहा हूँ? बैलेंस शीट है तो आज तक की बात कर रहे हैं, आज तक आपकी टैक्सेबल इनकम कम रही होगी, टैक्स भी अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा रहा होगा, तो यहां से वहां पहुंचने के लिए आज तक जानी आप लोगों ने क्या बुक किया होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो मेरी जान मुझे एक बात बताओ, जब यहां से वहां जाने के लिए आज तक आपने लायबिलिटी बुक की होगी तो वो डिफरेंस कितना हो गया होगा? 1.50 का, तो सर ये तो 50 नहीं था, 50 एक साल का है, ये कितने साल हो गए? तो यू आर जस्ट लुकिंग एट कि आज तक कितना डिफरेंस जमा हो चुका है, सही है जी? तो हमने कहा इसके ऊपर 37,500 आ गया। अच्छा अगर मैं देखूं, अब सोचने का पैरामीटर देखें जानी, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 25,000 है, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी है? क्या हम ये कह सकते हैं, हमें ये पता भी है कि फॉर द ईयर और एक्सपेंस बुक हुआ है, क्योंकि लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब वो एक्सपेंस की वजह से ही हो सकती है, बात क्लियर है? तो अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें तब भी फॉर द ईयर आ जाएगा एक्सपेंस या इनकम? हाउ डू यू नो एक्सपेंस? वेरी गुड, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपने कहा ये आ गया डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन वगैरह ना दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन वगैरह फॉर द ईयर ओपनिंग क्लोजिंग पीपी का बैलेंस दे दूं और टैक्स बेस दे दूं, फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स निकाल सकते हो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करके, पर सब्जेक्ट टू आपने ओपनिंग सही निकाला हो क्लोजिंग सही निकाला हो। हाँ भाई बात क्लियर है? चले जी अब एक और चीज आखिरी सालों में लेके चल रहे हैं इसको, मैंने कहा सर आप आ जाए 2025 पे,
चौथा साल है, ये आ गया, ये टैक्स वाले की नज़र में एसेट हो गया पक्का, उसकी लाइफ जीरो हो चुकी है। चले जी, हमने कहा ये आ गया, ये 50,000 जमा हो गया। अब ये तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है क्लियर। अच्छा भाई आगे, अब मैंने कहा इस साल अगर फॉर द ईयर की बात करूं, फिर तुमने 2,00,000 का डिपोजिशन बुक किया होगा, उसने कितने का, 2.5 का, उसने बोला मैं 50 फिर माइनस करो, फिर उसकी टैक्सेबल इनकम कम, टैक्स भी कम, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा, तो आपने डेफर्ड एक्सपेंस उसके केस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर बुक की होगी। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं ओपनिंग 2025 रखूं तो ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2025 कितना आ गया भाई, 12,500। और आपने कहा सर क्लोजिंग 2025 यानी कितना आ गया, 50,000। ये आज तक का डिफरेंस है। और सर अगेन 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 अगर मैं यहां पे बैलेंस शीट अप्रोच पे जाऊं तो मेरे पास, प्लीज आप मुझे बताएं, ये 2,00,000 का एसेट बचा है, ये कितना बचा है, जीरो। तो क्या हम कह सकते हैं आज तक 2,00,000 का ही डिफरेंस है। और आप खुद भी देखें 50-50-50 कर करके आज तक मुझे टैक्स वाले ने 2,00,000 रुपए का, 2,00,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ज्यादा दिया हुआ है, बात आई समझ। आज तक मुझे टैक्स वाले ने 2,00,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो हर साल 50-50 ज्यादा देता था, तो क्या मैं कह सकता हूँ आज तक मेरे और उसके बीच में 2,00,000 का डिफरेंस है, और ये वो 2,00,000 आज तक माइनस करवाता था। तो टैक्सेबल इनकम, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स ड्यू टू दिस 200,000, हमने इसके ऊपर आज तक क्या बुक की होगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आपने कहा कि सर ये आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास फॉर द ईयर 3 आ गया, क्लियर है, आखिरी साल का आ जाए फिर कंक्लूड हो जाएगा ये, इधर देखिएगा। अच्छा अब मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है पहले पीएनएल से समझेंगे, पर बिफोर वी कंक्लूड इट प्लीज ऑनलाइन वालों और आप सब मुझे बता दो यहाँ पर लॉजिकली क्लियर है, आज तक और फॉर द ईयर में फर्क क्लियर है। चलें जी, अब एक आखिरी चीज और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे फॉर द ईयर वाली कहानी को। इधर हमने कहा हम 26 में आ गए, पांचवा साल, आई थिंक टैक्स के हिसाब से ये खत्म हो चुका है, पर हमारे हिसाब से अभी भी एक साल बाकी था, कितने का डेप्रिसिएशन, आपको नहीं लगता ये 2,00,000 रुपए का वो डेप्रिसिएशन है जो अब आप बुक कर रहे हैं अकाउंटिंग में, जबकि टैक्स वाला 50-50 कर करके दे चुका है। अब यहां पे देखें कुछ भी नहीं होगा, यहां पे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अब मैं आप सबसे पूछता हूं, बहुत लॉजिकल वे में समझना इस बात को, मुझे बताना आपके पीएनएल में एक्सपेंस कितना होगा, वेरी गुड 2,00,000 का। टैक्स वाला क्या कुछ माइनस करवाएगा या बोलेगा पूरा एडबैक कर लो, एडबैक करा देगा। अच्छा भाई एडबैक करा देगा, जब एडबैक करवा देगा तो टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर की, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स, तो यहां से वहां जाने के लिए आप फॉर द ईयर में डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे और उसके अगेंस्ट में एसेट, इनकम और एसेट, मैं तो कह रहा हूं इनकम के लिए एसेट यूज कर लो, कहानी खत्म, एसेट बुक कर लो, लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, बात एक ही है भाई, इस अकाउंट के अंदर एसेट बुक करूंगा तो लायबिलिटी रिवर्स होगी, एसेट क्रिएट होगा, इक्विवेलेंट बात है, क्लियर है। पर असल में लॉजिकली हो क्या रहा है आपकी नजर में, अकाउंटिंग की नजर में ये एक एक्सपेंस है, अकाउंटिंग की नजर में 2,00,000 का एक्सपेंस है जिसपे सेविंग बनती है, जबकि टैक्स वाला कह रहा है मैं सेविंग दे चुका हूं और वाकई उसने दिए, टैक्स की आउटफ्लो नहीं हुआ मेरा अब तक, बात समझ आ रही है, तो वो 50-50 करके मुझे सेविंग दे चुका है। हियर आई एम लीज कंसर्न अबाउट पेमेंट, आई एम कंसर्न अबाउट एक्सपेंस एंड इनकम। तो वो कह रहा है कि भाई जो तुम्हारी नजर में आज एक्सपेंस है वो मैं आपको 50-50 करके पहले दे चुका हूं, आपसे मैंने अल्लाह की कसम पैसे नहीं लिए। मैंने कहा सही है, मैं एडबैक करके आपको पैसे तो पूरे दे रहा हूं, बट मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस नहीं बनता क्योंकि इसके ऊपर मैं डेफर्ड एक्सपेंस बुक करता है। तो आज मैं वो जो मौजूदा लायबिलिटी थी उसको रिवर्स करके क्या बुक कर लूंगा इनकम, ताकि जिस साल की इनकम है उसमें टैक्स हो जाए और जिस साल की सेविंग है उसमें क्लेम हो जाए। पहले बताओ बात क्लियर है, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ बात क्लियर है। तो अब हमने क्या किया होगा, फॉर द ईयर के अंदर उसने टेक्निकली 2,00,000 रुपए एडबैक करवाए, ऐसा ही है, हमारे पास एजेट का डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। अच्छा हमारे पास ये देखो हमने क्या बुक किया, डेफर्ड टैक्स इनकम, और ये बैलेंस कितना हो गया, जीरो। तो अगर मैं यहां पे टी अकाउंट की मूवमेंट आपको बना के दूं, टी अकाउंट की मूवमेंट बना के दूं जानी, तो आपके पास ओपनिंग 2026 का जल्दी बताओ कितना है ये रहा। अच्छा मैं डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूं,
ये देख, तो आपके पास क्लोजिंग आ गया जीरो, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसको बैलेंस शीट से कैसे देखेंगे, जरा ये देखने की बात है, ये बात सोच के देखना है। इधर मुझे ही लगता है कि ये अकाउंटिंग बेस भी जीरो, टैक्स बेस भी जीरो। आपको नहीं लगता कि जब दोनों जीरो हैं तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं? तो जब कोई डिफरेंस नहीं है तो आई थिंक मेरा डेफर टैक्स भी क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा, तो अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच की खासियत बताऊं, ओपनिंग कितना पावर है, क्लोजिंग कितना होना चाहिए, हाउ डू यू नो जीरो होना चाहिए? नहीं, आप बोलेंगे कोई एसिड ही नहीं बचा ना, जब एसिड ही नहीं बचा तो मतलब सारे डिफरेंसेस आज खत्म हो जाने चाहिए। तो इफ आई टेक क्लोजिंग बैलेंस एज अ जीरो बैलेंस, तो क्या ओपनिंग जितना मौजूद है वो खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा? और रिवर्स होने की आपको लॉजिक पता है, वो सेटल हो रहा है इस बार। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैं इसमें से ये 50,000 की क्या बुक की, डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर? पहले बताओ, बैलेंस शीट अप्रोच की मंतक समझ आई कि एक चीज पे डिफरेंस सेटल हो जाएगा तो क्लोजिंग में होगा ही नहीं, जब क्लोजिंग में नहीं होगा तो ओपनिंग का ऑटोमेटिकली रिवर्स और होना भी चाहिए। आप फॉर द ईयर से जाए, एजेंट से जाए, बात एक ही है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ कि बात क्लियर है, जल्दी से जानी सारे बच्चों प्लीज। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी कहानी एक समरी की फॉर्म में यहाँ पे समझ आ गई है, क्लैरिटी है। अब एक काम करें, इससे पहले नमाज का टाइम चला जाए, मैं आपको 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 15 मिनट में नमाज पढ़ के वापस आ जाए, सही है जी? पर 15 मिनट, क्योंकि अभी ये बड़े अहम कॉन्सेप्ट हैं। चले जी, 15 मिनट जानी।
यहाँ का या ओवरऑल? नहीं ओवरऑल तो चल रहा है, यहाँ का आई थिंक नेट बंद हुआ है। ये बंद हुआ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? इसको भी सही कर देते हैं। साढ़े सात एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा ये नेट चला लूँ उसमें। हाँ जी ऑनलाइन वालों कुछ बोलें, आवाज़ आ रही है आपको? ओके जी गुड। अच्छा भाई अब एक सवाल दे रहा हूँ, एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप ज़रा वो करके दिखाएं तो हमें पता लगे कि आप कितना इस कॉन्सेप्ट को पिक कर गए। तो हमने कहा यहाँ आ गए, चलें जी। ये रहा आपका पहला सवाल। सर कॉपी नहीं किया? अच्छा वो कॉपी एक साथ कर लेना ना जानी, अप्लाई कर लो पहले सिंपल। हाँ जी विजिबल है? नहीं लिखा हुआ, सब लिखा हुआ है। हेलो वालेकुम सलाम। हाँ क्लास में हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ अभी नहीं, 12 के बाद, क्योंकि अभी तेरे को बता था ना आज मैंने गाड़ी जो बन के आ रही है मेरी, तो मुझे पहले बता था ना तू 6 बजे, तू अभी उस वक्त बोलता तो मैं कर लेता। राइट राइट आफ्टर 12 भेज दूंगा, 12:01 पे तुम्हारे पास होंगे। सही है ओके।
हाँ जी, डेफर टैक्स का रेट आप अज्यूम कर सकते हैं 25%। टैक्स रेट 25% अज्यूम कर लें जानी। रिक्वायरमेंट पढ़े वो कह रहा है 2020 की आप डेफर टैक्स इनकम या एक्सपेंस जो भी बनता है निकाल के दें, या एसेट और लायबिलिटी निकाल के दे दें। सही है, एक्सपेंस 80,000 डेफर टैक्स। चलें देखते हैं, डेफर टैक्स एक्सपेंस कह रहे हैं हसन 20,000। हाँ भाई, बाकी बच्चों एक्सपेंस कह रहे हैं बच्चे, एक बच्चा कह रहा है डेफर टैक्स इनकम आ रही है 3,800 की। हम मात भी कह रहे हैं, इनकम कह रहे हैं 3,800 की। लेट्स चेक कि कौन सही करता है। चलो लेट्स चेक कि क्या सूरत हाल है। मैं करवाऊं भाई, 3,800 आ रहा है तुम्हारा भी, यहाँ पे भी आ रहा है ऐसा। अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। अच्छा भाई, ये आ गया डिफरेंस। सही है, और फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे डेफर टैक्स लायबिलिटी है या डेफर टैक्स एसेट है। अच्छा भाई, अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट की मेरी जान अगर मैं बात करूं, तो आपने कहा कि एक चीज आपने 8,00,000 रुपीज की परचेज की है, उस पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 30% का डेप्रिसिएशन रेट है, तो आप कहेंगे मुझे 70% की वैल्यू बता दो आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स इसलिए क्योंकि ये मैंने निकाला है 31 दिसंबर 2019 ओपनिंग है। यहाँ तक क्लैरिटी है भाई? तो 31 दिसंबर से क्यों स्टार्ट होगा, मुझे लंबी करनी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 2020 का क्लोजिंग चाहिए ना, तो 19 का क्लोजिंग देख लो तो आपको फॉर द ईयर भी मिल जाएगा। मैंने कहा टैक्स बेस की अगर बात करूँ तो इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा 80% से, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई ये आ गई इतनी। अच्छा जी, अब मैं आप सबसे पूछूं तो फोकस के साथ, एसेट कहाँ पे कम है अकाउंटिंग में? एसेट कम है मतलब वहां पे डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक हुआ है। अच्छा, यानी आप सोचने का पैरामीटर सोचते हैं कि भाई किस तरीके से मैपिंग करके वहां पहुंचना है। मैंने ये कहा कि अगर अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा है, वो आपको कैसे पता लगा? क्योंकि वहां पे पीपीई की अमाउंट कम है। अच्छा, वहां पे अगर बच्चों डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो टैक्स वाले एक के अंदर डेप्रिसिएशन तो उसने आज तक ऐड करवाया होगा। आज तक क्यों कह रहा हूं, एज एड है तो एज एड तक टैक्स वाले ने कहा होगा बेटा शाबाश इसको ऐड करो। जैसे जैसे वो ऐड करवाता रहा होगा, उसने आपसे टैक्स मांगा होगा, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई होगी ज्यादा, टैक्स भी अकाउंटिंग का टैक्स। तो यहां से वहां पहुंचने के लिए आज तक आपने क्लेम करने के लिए, सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर टैक्स इनकम बुक की होगी और डेफर टैक्स एसेट बुक किया होगा। तो क्या हम इस बात को कंक्लूड करें कि इसके ऊपर सर ऑल टुगेदर आपके पास 30,000 रुपए का डेफर टैक्स एसेट है ओपनिंग? ये बात क्लियर है? पक्की बात है, ऑनलाइन जल्दी बताओ ये बात क्लियर है? क्योंकि भाई एक चीज अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंस है तो उसमें सेविंग बनती है, मैंने सेविंग क्लेम की होगी। जल्दी बताओ भाई ऑनलाइन वालों, जल्दी से। ओके, अब मैंने कहा अब हम आ गए सर 31 दिसंबर 2020 के ऊपर। हमने कहा कि सर इसको मैं 3 कर दूंगा
और इसको भी मैं 3 कर दूंगा। अच्छा अब आपका डिफरेंस ये आ गया, अगेन मुझे बताओ कहाँ पे एसेट कम है अकाउंट में, वहां पे मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा है। तो टैक्स वाले ने कहा होगा बाबू मैं इसको नहीं मानता, एड बैक करो, तो उस पर करंट टैक्स ज्यादा हो गया होगा, टैक्स भी ज्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम, वहां पहुंचने के लिए लेस तो डेफर्ड टैक्स इनकम। पर लॉजिकल भी तो बात है ना, हमने सेविंग क्लेम करने के लिए आज तक डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की होगी उसके अगेंस्ट में एसेट, क्योंकि वो कह रहा है तुम आगे मुझसे क्लेम करना, जबकि बनती कब है, इस साल। तो हमने क्या किया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो आई बिलीव कि सर अगर मैं फॉर द ईयर की बात करूं तो आपको क्या लगता है डेफर्ड टैक्स इनकम है फॉर द ईयर? अच्छा डेफर्ड टैक्स इनकम आप कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, और अगर आपको लंबी करनी हो तो मैं बाप खुदा कह रहा हूं ऑल्टरनेटिव भी है। ऑल्टरनेटिव है अगर मैं पीएनएल अप्रोच फॉर द ईयर 2020 की यूज करूं, तो आपको यह पता है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020, प्लीज सुनिएगा जानी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020 इसके ऊपर 30% होगा और इसके ऊपर 20%, ऐसा ही है। ये हो गया अकाउंटिंग, ये हो गया टैक्स, ऐसा ही है, यही हुआ होगा ना डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा आपने जब डेप्रिसिएशन बुक किया होगा तो टैक्स वाले ने क्या करवाया होगा, एड बैक करवा दिया होगा, कितना इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा ये फॉर द ईयर का डिफरेंस है, फॉर द ईयर के डिफरेंस के ऊपर आपने कितना बुक कर लिया, 25%, ये भी कितना आ गया 3500, बात समझ आई? तो वो क्लोजिंग पीपीई के मद में देख लो या फॉर द ईयर देख लो, बात एक ही है। हाँ जी ऑनलाइन में तो क्लियर है, जल्दी से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इसको भी नेगेटिव कर लेते हैं, ये आ गया डेफर्ड टैक्स इनकम। अच्छा जब मैं पीएनएल से जा रहा हूं तो मैं डेफर्ड टैक्स इनकम कहता हूं, बैलेंस शीट से जाता हूं तो एसेट लायबिलिटी कहता हूं, ऐसा क्यों? एसेट होता है और फॉर द ईयर, जब व्हेनेवर यू आर सेइंग फॉर द ईयर तो इनकम एक्सपेंस, व्हेनेवर यू आर सेइंग, हाँ तो वही तो कह रहा ही है, जब एसेट की बात करेंगे तो एसेट और लायबिलिटी, फॉर द ईयर की बात करेंगे इनकम और एक्सपेंस, सही है जी। अच्छा भाई अप्लाई करने का तरीका आ गया, चलिए जी अब एक और सवाल देता हूँ उसी पे, इस पे पक्के हो जाओ पहले। अच्छा भाई हमने कहा कि सर अब ये पिक करते हैं, हाँ सोच के करना, अच्छा जो एसेट जब बिक गया, हाँ जी तो आपको क्या लगता है जो एसेट बिक गया तो उसके रिलेटेड आपका डेफर्ड टैक्स बचेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो वो क्लोजिंग में नहीं आएगा, जब क्लोजिंग में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली पुराना रिवर्स हो जाएगा, तो आपको मजीद कुछ करने की नीड नहीं होगी।
हाँ जी मैं कह रहा हूँ ये
भाई क्या है आंसर? ओपनिंग अमाउंट, हाँ जी ओपनिंग अमाउंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की और फॉर द ईयर जगह एक्सपेंस। ओके जी बाकी बताओ भाई क्या बना? ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बताओ मुझे, पहले ओपनिंग कितना निकाला? ओपनिंग लायबिलिटी आ रही है। चलें जी, पर हेयर वी हैव टू टॉक अबाउट टू एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा अब हमने कहा कि अब हम बात कर लेते हैं प्लांट हो या मशीनरी हो, 31 दिसंबर 2020 ऐसा ही है, और पहले 19 निकाल लेते हैं अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट ओपनिंग, ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट के केस में ये प्लांट हमने खरीदा कितने का है? आपने कहा सर 7 लाख रुपये का। अच्छा इसका जो अकाउंटिंग रेट है वो 30% है, तो आपने कहा मुझे 70% की वैल्यू चाहिए। हाँ जी कितने सालों बाद? 2 सालों बाद। तो सबका यही आ गया था अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट, तो आपने कहा इसके बाद आपने इसको 80% किया, ये आ गया। क्योंकि जब ये एसेट देखो बिका कब है, आप ये फोकस होके देखिएगा, ये एसेट 2020 में बिका है तो 19 तक तो होगा ना। चलिए जी ये हमने कहा ये 31 दिसंबर पे अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट हो गई। अच्छा भाई अब हमें क्या चाहिए इसकी? टैक्स बेस। अच्छा हमने कहा जब टैक्स बेस चाहिए तो वो भी 31 दिसंबर को ही चाहिए, तो हमने कहा इनके रेट्स हमें चेक करने पड़ेंगे, तो ये 75% और ये भी यही आ रहा है। चलें जी आपने कहा कि भाई डिफरेंस देख लें। अच्छा पहले में एसेट कहाँ पे कम है? अकाउंटिंग में कम है, तो अब लॉजिकल सी बात है टैक्स वाले ने आज तक कहा होगा कि भाई शाबाश इसको ऐड बैक करो, उसने बोला होगा डिडक्शन आगे लेना, जबकि बनती आज है, तो हमने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर करके एसेट बुक किया होगा, तो हमने सिंपली इसके ऊपर 25% चिपका दिया, तो ये आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी / ब्रैकेट में डेफर्ड टैक्स एसेट। यहाँ तक तो कोई पंगा नहीं है ना। चलें जी अब दूसरा केस बताओ, आप बताएंगे दूसरे केस के अंदर एसेट कहाँ कम है? टैक्स वाले में। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले एसेट के लिए टैक्स वाले ने मुझे कहा होगा शाबाश और लेस करो, हम कहेंगे भाई डिडक्शन बनती नहीं है, तुम किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहे हो, तो आज तक उसने माइनस करवाया होगा तो टैक्सेबल इनकम कम रही होगी, टैक्स भी कम रहा होगा, अकाउंटिंग का टैक्स ज़्यादा रहा होगा, तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये आ गया। तो आपने कहा कि भाई इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं नेट बेसिस के ऊपर 3781.25 की ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, सही है? सवाल है कोई? बोलो नहीं। अच्छा ओके हो गया, सही है जी। अच्छा भाई यहाँ तक कोई इशू ऑनलाइन वालों जानी, जल्दी बताओ। अच्छा अगर मैं आपको वैसे मज़े की बात बताऊँ, आप चाहें तो हर एक साल की वर्किंग करके देखें फॉर द ईयर, अल्लाह की कसम यहीं पहुँचोगे, क्योंकि मेहनत करने की नीड नहीं ना, सीधा आंसर आ रहा है। चलें जी आगे, फिर मैंने कहा अब सर यही हरकत मुझे करनी है 2020 की, तो हमने कहा कि सर यहाँ पे आते हैं, नहीं तो अलग अलग क्यों बनाएंगे, सिंपल सिंपल सलंग आंसर है भाई, यहाँ पे लंबी करनी नहीं है, यही तो गेम है पेपर में, अलग अलग क्यों बनाऊंगा, अभी तुम्हें करके बताता हूँ, जरा देखें भाई की चीज़ आप। हमने कहा प्लांट तो नहीं बिका ना, सही जी, इसको मैंने 3 कर दिया, इसको भी मैंने 3 कर दिया, यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा अब मैंने कहा मैंने इसको 0 कर दिया, मैंने इसको 0 कर दिया, क्यों भाई एजेट पे है ही नहीं, तो इसके रिलेटेड डेफर्ड टैक्स होना ही नहीं चाहिए, 0 कर दो ना इसको क्लोजिंग में, तो जो पिछला मौजूद था वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो आपको पंचायत ही नहीं करनी। अगर PNL अप्रोच होती तो हम अलग अलग देखते कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन आता, फिर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी अलग होता, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले सुनना मेरी बात, इस बात को पिक करना, ऑनलाइन तो सारे काम साइड में पहले सुनो, अगर आप
पीएनएल अप्रोच पे होते हैं, आप पता है पहले क्या करते हैं, सुन लो लॉजिकल बात है, अगर इसमें लॉजिक में कोई कंफ्यूजन हो तो तुम्हें मुझसे अभी पूछना है। अगर मैं कौन सी अप्रोच पे होता, पीएनएल पे, पहले आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन बुक करते, उस पर फर्दर डिफरेंस आता। ये बात समझ आई कि 6 महीने के डेप्रिसिएशन पे फर्दर डिफरेंस आता। पहले ऑनलाइन वालों तुमसे बताओ, ये बात समझ आ रही है कि 6 महीने के डिफरेंस के ऊपर फर्दर डिफरेंस आता, ऐसा ही है 6 महीने का, और पिछला मिलके ये मिलके एक क्यूमुलेटिव डिफरेंस बन जाता, फिर ये क्यूमुलेटिव डिफरेंस गेन और लॉस में सेटल हो जाता। नहीं आई बात समझ? देखो वापस से, 6 महीने के डेप्रिसिएशन पे आपके उसके बीच में फिर डिफरेंस है, उस पर फिर डेफर टैक्स राइज होता, और फिर ये एसेट जब बिकता तो आपकी और उसकी कैरिंग अमाउंट में फर्क होता, तो क्या वो डेफर टैक्स आज गेन ऑन डिस्पोजल में सेटल हो जाता? यस। तो मैं कह रहा हूं क्रिएट होके भी रिवर्स ही होना है, क्रिएट होके भी रिवर्स ही होना, तो क्लोजिंग जीरो को खुद ही रिवर्स हो जाएगा। बात क्लियर है? तो फॉर द ईयर से भी जाते जानी तो वो रिवर्स ही होता, पर फर्क कितना होता, 2 चंक्स में होता, पहले क्रिएट होता फिर रिवर्स होता। हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे मैं अच्छा देखो, अब एक और बात समझो, क्रिएट होता एक्सपेंस होता, रिवर्स होता इनकम होती, तो जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो रहा है, प्लस माइनस जीरो हो जाता, तो टेक्निकली जो बचता वो ओपनिंग ही बचता, तो वो ओपनिंग ही तो रिवर्स कर रहा हूं क्लोजिंग को जीरो रख के। पीएनएल में दोनों ही करने पड़ते, पर उसका इंपैक्ट क्या होता, फॉर द ईयर की क्रिएशन, फॉर द ईयर का रिवर्सल और पुराना रिवर्सल, तो टेक्निकली फॉर द ईयर की क्रिएशन, फॉर द ईयर का रिवर्सल जीरो ही है, तो टेक्निकली जो रिवर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओपनिंग, तो वही कर रहा हूं मैं यहां पे भी। क्लियर है? मैथमेटिकली समझा दूं, आ जाओ फिर, उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर पहले मैथमेटिकली समझाता हूं, इधर आ जाओ। ये क्या आ गया, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट, इधर देखना जानी, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया। अच्छा, मैंने कहा डेफर्ड टैक्स के अकाउंट के अंदर ओपनिंग लायबिलिटी थी, ये थी, अब आपके पास क्लोजिंग क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है, क्लोजिंग एसेट आ रहा है। मतलब इस साल बच्चों हुआ क्या, बात समझिएगा, इस साल हुआ ये कि पहले तो ये एक्सपेंस रिवर्स हुआ है, पहले तो ये पूरी लायबिलिटी रिवर्स हुई है और फर्दर और इनकम बुक हुई है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों को मिला के मेरी डेफर्ड टैक्स इनकम आई है, कितने की, 17584 की, ये फॉर द ईयर की इनकम है। अब मैं आपको इसको आए पीएनएल से प्रूफ करके देता हूं, तो आपने इधर पहले कैलकुलेटर अपने पास रखना है, उसके लिए मुझे कुछ चीजें अज्यूम करनी है। मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स अज्यूम कर लिया 2 मिलियन का, 13,830 बेटा, ये क्लोजिंग है। आप कह रहे हैं ओपनिंग आपके पास लायबिलिटी थी, अब क्लोजिंग एसेट बचा है, तो पहले लायबिलिटी रिवर्स हुई है और फिर एसेट बुक हुआ है, तो इनकम बुक हुई है ना, लायबिलिटी को रिवर्स करने के लिए आपने पहले इनकम बुक की होगी, और फिर तो खैर अभी इसको मैं यहां पे आपको पीएनएल से मैच करके दिखा देता हूं, इधर देख लो, इधर देखना वरना कंफ्यूजन में ही मर जाओगे, फोकस होके देखना। ये मैंने कहा कि भाई 2 मिलियन की मेरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मैं अगेन कोई डिटेलिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैंने कहा अज्यूम करो सेलिंग प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल आर रुपीस 550, कितने का बेचा है एसेट, 550 का, क्लियर है, 550 का बेचा, ये मेरी सेलिंग प्रोसीड्स, इसको मैं 450 कर लेता हूं भाई, क्या सही है ये? आगे सुनो, आपसे मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, जरा मुझे बताना है यहां पे, अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेके चलूं जो कि कितना है जानी, 2 मिलियन, ये अज्यूम फिगर है मेरी 2 मिलियन, इसके अंदर क्या पार्क करूंगा, हाँ एडजस्टमेंट्स, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, आए जी देखते हैं, अगर डेप्रिसिएशन होता सर बैलेंस शीट में डेफर्ड एसेट जाएगा, बिल्कुल बेटा ये वाला एसेट जाएगा ना, ये वाला एसेट जाएगा, ऑब्वियसली ये एसेट जाएगा बैलेंस शीट में, पर अभी मैं आपको फॉर द ईयर मैच करके दिखा रहा हूं, तो आपने सारी चीजें साइड में रख के मेरी बातों पे फोकस करना है। इधर देखो, अगर डेप्रिसिएशन निकालना है खुदा के वास्ते इधर देखना, क्योंकि तुम लोग बताओगे मुझे, मैंने कहा क्या आप इस बात को मानते हो कि रिड्यूसिंग बैलेंस में WDV यूज होगी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, अब इधर देखना, डेप्रिसिएशन प्लांट, डेप्रिसिएशन मशीन, इसके ऊपर लगेगा
क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी इस साल की क्या है, ओपनिंग कितना परसेंट रेट है, 30%, चेक भी कर लेते हैं 30%, ये आ गया फॉर द ईयर का। पर इसमें आपने पूरे 12 महीने लगाने हैं क्योंकि ये पूरा साल चला है। अच्छा आपसे मैं पूछूं इसके ऊपर कितना परसेंट रेट है, 20% पर कितने महीने, 6/12, ये है फॉर द ईयर, ये है फॉर द ईयर। क्या मैं कह सकता हूं आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये माइनस हुआ हुआ होगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, गलत हूं सही हूं, सही है, आगे सुनिएगा। अच्छा भाई अब मैंने कहा अब आप आ जाएं किस पे, टैक्स डेप्रिसिएशन के ऊपर। मैंने कहा सर टैक्स डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 25, यही है ना। तो आपने कहा कि सर ये भी कितना है, 25% पर कितने महीने, 6 महीने। अब हम वो लॉ पे नहीं जा रहे कि जिस साल बेचा उस साल नहीं होगा, जिस साल खरीदा उस साल पूरा साल होगा, वो नहीं है यहाँ पे, जो भी है यही है, सही है जी। आगे अच्छा अब मैं आपसे पूछूं क्या डेप्रिसिएशन ये अकाउंटिंग में बुक हुआ हुआ है, यस ये टैक्स में बुक हुआ हुआ है। अब टैक्स वाला डेप्रिसिएशन की मद में आपको क्या बोलेगा, लेस करो। तो हम बोलेंगे चलो भाई आपकी बात मान के हम लेस करते हैं। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन की मद में ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, तो टैक्स वाले ने कहा ये और लेस कर दो, इसके ऊपर क्या बुक करूंगा, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। ऑनलाइन वालों तुम सब बताओ इस पर कोई कंफ्यूजन, हम फॉर द ईयर कर रहे हैं। अच्छा अब आगे सुनो, मैंने कहा गेन ऑन डिस्पोजल भी एडजस्ट करो, पर उसके लिए आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा आप प्लीज मेरी ये बात को बात समझिएगा, कैरिंग अमाउंट क्या हम कह सकते हैं, कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंटिंग एंड टैक्स अलग होगी। अच्छा अब मैं जो कहने लगा हूं आप मुझे बताइएगा, क्या ये मेरी ओपनिंग डब्ल्यू डी वी थी, मशीनरी भी की है ना, क्या ये मेरी ओपनिंग डब्ल्यू डी वी थी। इसमें से अगर मैं ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर लूं तो क्या कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, तो सर ये क्यों अलग आ रही है, उसका आज तक का रेट अलग था। अच्छा अब सेलिंग प्रोसीड्स, हाँ भाई सेलिंग प्रोसीड्स कितने की है जानी, ये तो मैंने अज्यूम की है ना, 550, जल्दी से बताओ इसके ऊपर गेन ये है, इसके ऊपर गेन ये है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही दोनों का गेन क्यों अलग है, क्योंकि दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट अलग था। मेरे ख्याल से आज वो सेटल हो जाएगा क्योंकि ये एसेट बिक गया। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं मेरे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर गेन कितना शामिल है, ये होना कितना चाहिए, 131 641। तो मुझे आप एक बात बताएं, आज आप इन दोनों का डिफरेंस एड बैक करेंगे तो इस पर क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि आपने कहा कि भाई जब मैं इसको एड बैक कर रहा हूं तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो वहां पहुंचने के लिए क्या बुक कर लूंगा, डेफर्ड टैक्स इनकम। हमने कहा जब इन सबको सम कर लेंगे तो मुझे कौन सा टैक्स मिल जाएगा, करंट टैक्स, आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट करंट टैक्स। अब मुझे बताएं नेट बेसिस के ऊपर आपके पास डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हो रही है कैसे, मैंने इसको और इसको सम किया, मैंने इसको और इसको सम किया, सही है जी, और मैंने इस पे लगा दिया कितना परसेंट, 25%, ये कितना आया, 17584, ये कितना आ रहा है, 17584। बेसिकली सर इसमें हुआ ये है कि आप जब क्लोजिंग अप्रोच पे जाते हैं ना तो जो होना होता है वो खुद ही एडजस्ट हो जाता है, बात समझ आई। तो फॉर द ईयर के अंदर पता है हुआ क्या, डेप्रिसिएशन पे क्रिएट हुआ, इस पे रिवर्स हुआ। आप आज तक देखें, मैं आपको प्रूफ करता हूं कैसे, इधर देखिएगा, पहले लिखे नहीं कर लिए तो समझें खाली, क्या आप इस बात को मानते हो कि ओपनिंग तक की बात करते हैं, सब इधर देखो मेरे साथ प्रूफ करता हूं, खाली कैलकुलेटर अपने पास रखो, ओपनिंग तक में मानते हो कि डेप्रिसिएशन कहां ज्यादा है, टैक्स में, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों ओपनिंग तक में डेप्रिसिएशन कहां ज्यादा है, टैक्स में ज्यादा है। अच्छा ओपनिंग तक में टैक्स में अगर डेप्रिसिएशन मेरी जान ज्यादा है तो टैक्स वाले ने बोला होगा माइनस करो, ऐसे टैक्स वाले ने माइनस करने के लिए इसलिए बोला, सुनना मेरी बात, टैक्स वाला डिडक्शन ज्यादा दे रहा है, टैक्स वाला डिडक्शन
ज्यादा माफी दे रहा है ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, जब टैक्स वाला डिडक्शन मुझे ज्यादा दे रहा है तो आप सब मेरी बात को समझें कि डिडक्शन ज्यादा देने का मतलब है वो किसी इनकम को टैक्स होने से आज तक उसने माफी दी है ना, तो हम क्या कर रहे थे, डेफर्ड एक्सपेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड एक्सपेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आज जब वक्त आया सेल करने का, आज जब वक्त आया सेल करने का, तो टैक्स वाला कह रहा है मेरी नजर में इनकम ज्यादा है क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें माफी दी है। टैक्स वाला क्या कह रहा है, आज मेरी नजर में इनकम क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें माफी दी है, तो अब जब तुमने बेचा है तो मेरे हिसाब से वो गेन है। मैं कहूंगा मैं तो ऑलरेडी टैक्स लगाता आया हूं, तो वो जो लायबिलिटी की फिगर थी आज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो वो टेक्निकली बेसिकली डेफर्ड टैक्स इनकम के नाम पे वो रिवर्स हो रही है। तो इस सवाल में हुआ ये है कि पिछला पुराना जो भी आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है या लायबिलिटी है वो पहले रिवर्स हुई है और मजीद इनकम बुक हुई है, तो क्लोजिंग आपके पास एसेट आ गया है। पहले बताओ बात क्लियर है, ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है जल्दी से। तो ये हो गई आपकी ऑल टुगेदर बैलेंस शीट अप्रोच, बात क्लियर है। तो सर अभी हमने आज की क्लास में, क्योंकि ज्यादा हैवी नहीं हो जाए, मैं दूसरा हेड शुरू नहीं करवा रहा, पर पीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी अगर डिस्पोजल के साथ भी आ जाए तो आपने क्लोजिंग से उसको कटा देना है, डिस्पोजल के साथ भी आ जाए तो क्लोजिंग को उससे हटा देना है, बात क्लियर है। खत्म कर दोगे, खत्म कर दोगे तो डेफर्ड टैक्स का बैलेंस उस पर जीरो, जब डेफर्ड टैक्स का बैलेंस उस पर जीरो तो ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग रिवर्स हो जाएगा, क्लियर है। चलें जी मिलते हैं जी अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़, कल है ना।